बात मार्च 2018 की है। उन दिनों राजस्थान की महारानी अलग ठसक में रहा करती थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर झुंझुनू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं। मंच पर तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी मौजूद थी। सभा की एक तस्वीर खूब वायरल हुई। दरअसल पीएम मोदी सावधान मुद्रा में थे तो वसुंधरा राजे उनके सामने गर्वीली अदा में तनी हुई थी। उनकी एक उंगली उठी हुई थी। दरअसल उस समय देश की राजनीति के सबसे ताकतवर नेता के सामने महारानी की यह मुद्रा, उनकी भीतरी ताकत, न झुकने की अदा और आत्मविश्वास से लबरेज शख्सियत का प्रतिबिंब थी। हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से ही राज्य बीजेपी में महारानी की धमक फीकी पड़नी शुरू हो गई। राज्य के गली नुक्कड़ पर मोदी तुमसे बैर नहीं और वसुंधरा तेरी खैर नहीं के नारों ने महारानी के जलवे को कम कर दिया। सियासी गलियारों में मोदी राजे के विवाद की खूब चर्चा हुई। चलिए आपको आज अनसुनी कहानियां में बताते हैं कि आखिर नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के विवाद की कहानी कहां से शुरू होती है। बात 2013 की है। लोकसभा चुनाव में एक साल से कम का वक्त बचा था। बीजेपी में प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी को लेकर माथापच्ची चल रही थी। उन दिनों राजनाथ सिंह बीजेपी अध्यक्ष हुआ करते थे। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी से पहले इलेक्शन कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष को लेकर विवाद हो गया। राजनाथ सिंह उस समय गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, जबकि आडवाणी समेत अन्य वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह से सहमति नहीं रखते थे। सियासी गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी नरेंद्र मोदी को इलेक्शन कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाने के खिलाफ थे। गाहे बगाहे उसमें राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का भी नाम शामिल था। लालकृष्ण आडवाणी ने तो राजनाथ सिंह को पत्र लिख दिया था। इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन का ऐलान पार्टी के गोवा अधिवेशन में हो रहा था। गोवा में बीजेपी का अधिवेशन हुआ तो राजनाथ सिंह ने सभी सीनियर नेताओं को मनाया। इसके अलावा पार्टी के मुख्यमंत्रियों से उन्होंने अकेले मुलाकात की और सहमति बनाने की कोशिश की। राजनाथ सिंह ने भी वसुंधरा राजे से मुलाकात की और उन्हें कन्विंस किया। आखिरकार नरेंद्र मोदी निर्विरोध चुनाव समिति के प्रमुख बने, लेकिन उनके मन में वो बातें रह गई थी, क्योंकि खुद मोदी कहते हैं ना भूलूंगा और ना ही माफ करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वसुंधरा राजे के बीच कोल्ड वॉर 2023 राजस्थान विधानसभा चुनाव के दौरान भी देखने को मिला। जब पीएम मोदी चित्तौड़गढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने ऐलान कर दिया था कि बीजेपी किसी चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि कमल के निशान पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। पीएम मोदी के बयान के बाद सियासी गलियारों में चर्चा हुई कि बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा राजे को साइडलाइन कर दिया है, जबकि वो राज्य की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इसके अलावा पार्टी ने कई मंत्रियों और सांसदों को टिकट देकर वसुंधरा राजे की टेंशन बढ़ाने का काम कर दिया था। बताया जाता है कि वसुंधरा राजे इस घटना से नाराज भी हो गई थी। राजस्थान में वसुंधरा राजे की राजनीतिक यात्रा भले ही लंबी रही हो, लेकिन उनके सियासी सफर की शुरुआत उनके मायके से हुई थी। वसुंधरा राजे की माँ विजया राजे सिंधिया ही उनकी सियासी गुरु भी रही, जो बीजेपी से जुड़ी हुई थी। जब वसुंधरा राजे ने सियासत में कदम रखने के बारे में फैसला लिया तो माँ के नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी का कमल थाम लिया। बीजेपी में शामिल होने के बाद वसुंधरा राजे ने राज्य की सियासत में अपना पैर ऐसे जमाया कि धीरे धीरे वो पार्टी की केंद्र बन गई। आज भी राजस्थान में वसुंधरा राजे के मुकाबले बीजेपी के पास कोई ताकतवर चेहरा नहीं दिखता। साल था 1984। वसुंधरा राजे ने सियासत में कदम रखा। उस समय उनकी उम्र महज 28 साल थी। बीजेपी से सियासी पारी शुरू करने वाली वसुंधरा राजे ने अपना पहला लोकसभा चुनाव भिंड से लड़ा, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस प्रत्याशी कृष्णापाल सिंह ने उन्हें 88,000 वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया। हालांकि वसुंधरा राजे की हार की बड़ी वजह उस समय कांग्रेस के प्रति संवेदना थी, क्योंकि उस वक्त पूरे देश में इंदिरा गांधी की हत्या की वजह से कांग्रेस के प्रति सहानुभूति की लहर चल रही थी। यही वजह रही कि वसुंधरा राजे को शिकस्त मिली। खास बात यह है कि इस सीट पर 1971 में भारतीय जनसंघ के उम्मीदवार के तौर पर विजया राजे सिंधिया ने जीत हासिल की थी और सांसद बनी थी, लेकिन वसुंधरा को पहले चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद भैरव सिंह शेखावत ने वसुंधरा राजे की हौसला अफजाई की और मार्गदर्शन किया। भैरव सिंह की सलाह पर 1985 में उन्होंने अपनी सीट बदली और घौलपुर से किस्मत आजमाई, जहां उन्होंने शानदार जीत हासिल की। इस जीत के बाद पार्टी में उनका कद बढ़ा और पार्टी ने प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी सौंप दी। राजस्थान की सियासत में पैर जमाने के लिए वसुंधरा राजे ने झालावाड़ लोकसभा को अपनी राजनीतिक कर्मभूमि बना लिया।
1989 में पहली बार वसुंधरा राजे झालावाड़ से सांसद बनी तो 2003 तक यहां से लगातार 5 बार सांसद रही। बात 2003 की है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए वसुंधरा राजे झालरापाटन सीट से नामांकन दाखिल करने पहुंची। जिस पेन से वसुंधरा ने नामांकन दाखिल किया, जीत के बाद उस पेन की खूब चर्चा होने लगी। सियासी गलियारों में इस पेन को वसुंधरा राजे का लकी पेन माना जाता है। 2003 में वसुंधरा ने झालरापाटन सीट से जीत हासिल किया, उसके बाद से तो राजस्थान की महारानी इस सीट पर अजय है। खास बात यह है कि जब वसुंधरा राजे पहली बार नामांकन करने पहुंची थी तो उस दौरान वह लकी मैन भी उनके साथ था, जिसने वसुंधरा राजे को वो लकी पेन नामांकन दाखिल करने के लिए दिया। आखिर वो लकी मैन कौन था, चलिए आपको उसके बारे में भी बताते हैं। 2003 में बीजेपी ने पहली बार वसुंधरा राजे को विधानसभा के चुनावी मैदान में उतरने के लिए टिकट दिया। वसुंधरा राजे के बारे में कहा जाता है कि वो विशेष तौर पर मुहूर्त और कुछ ऐसी बातों का ख्याल रखती हैं, जिसे आज के दौर में टोटका कहा जाता है। झालावाड़ में पुराने वन क्षेत्र से सटा हुआ बालाजी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है, जो राड़ी के बालाजी मंदिर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर में वसुंधरा राजे की तरफ से एक अखंड ज्योति स्थापित की गई है, जो अनवरत जलती रहती है। नामांकन दाखिल करने से पहले वो इस मंदिर में पहुंचती हैं और पूजा अर्चना के बाद नामांकन दाखिल करने जाती हैं। 2003 में भी वसुंधरा ने ऐसा ही किया। जब वसुंधरा नामांकन के लिए पहुंची तो उनके साथ बीजेपी के कद्दावर नेता रहे प्रमोद महाजन भी साथ थे। इसके अलावा वसुंधरा के लकी मैन भी साथ थे। वो लकी मैन कोई और नहीं बल्कि शाहनवाज हुसैन थे। वसुंधरा ने अपने पहले चुनाव में शाहनवाज हुसैन के पेन से ही नामांकन दाखिल किया था। तब से ये सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। वसुंधरा राजे जब नामांकन दाखिल करने जाती हैं, तो शाहनवाज हुसैन उनके साथ रहते हैं और उनके ही पेन से वो दस्तखत करती हैं। साल 2003 में पहली बार जब वसुंधरा ने झालरापाटन से चुनाव जीता था तो वो राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। झालरापाटन से अब तक वो अजय हैं। सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे और ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया के संबंधों की भी खूब चर्चा रही। माधवराव सिंधिया वसुंधरा के बड़े भाई थे। यूनिवर्सिटी की पढ़ाई के दौरान वसुंधरा ने विदेशों में खूब भ्रमण किया। इस दौरान उनके साथ माधवराव सिंधिया रहे। हर परिस्थितियों में माधवराव सिंधिया ने वसुंधरा का साथ दिया। भले ही एक वक्त दोनों अलग अलग दलों में रहे, लेकिन भाई बहन का प्रेम हमेशा बना रहा। जब वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत की शादी हो रही थी, उस समय माधवराव सिंधिया ने जिस तरह से जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, उस किस्से को याद करते हुए वसुंधरा भावुक हो गई थी। वसुंधरा ने कहा था, मेरे बेटे की शादी के मौके पर जिस तरह से उन्होंने किया, उसे भुला नहीं सकती। उन्होंने एक बड़े भाई की तरह ही नहीं बल्कि एक पिता की तरह सारी चीजों को व्यवस्थित किया। कहीं किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। मैं समझती हूँ कि विवाह का समारोह सफल नहीं होता अगर वो इस तरह से साथ नहीं होते। ये अंतिम पारिवारिक मौका था जब वे हमारे साथ थे। वसुंधरा राजे देश की सबसे ताकतवर महिलाओं में से एक रही। सियासत में वह महारानी के नाम से लोकप्रिय है। सियासत में एक छत्र राज स्थापित करने वाली वसुंधरा राजे की निजी जिंदगी सफल नहीं रही। कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह से उनकी शादी हो गई। शादी के समय वसुंधरा राजे की उम्र महज 19 साल थी। हालांकि दोनों की शादी एक साल भी नहीं चली। दुष्यंत के जन्म से पहले दोनों का पवित्र रिश्ता टूट गया और तलाक हो गया। हेमंत सिंह से तलाक के बाद वसुंधरा राजे ने कभी शादी नहीं की और अकेले बेटे के साथ रहने लगी। वसुंधरा राजे के पति हेमंत सिंह नाभा के महाराज प्रताप सिंह के बेटे हैं। धौलपुर के महाराज उदयभान सिंह थे। उनका कोई वारिस नहीं था। 1954 में उदयभान सिंह की मृत्यु हो गई। ऐसे हालातों में महारानी मलबिंदर कौर ने 1956 में अपनी बेटी के पुत्र हेमंत सिंह को गोद ले लिया। 17 नवंबर 1972 को धूमधाम से वसुंधरा राजे और हेमंत सिंह की शादी हुई। अपनी शादी के बारे में एक इंटरव्यू के दौरान वसुंधरा राजे ने कहा था, कॉलेज में पढ़ने के दौरान ही मेरी शादी हो गई और ग्रेजुएशन मैंने शादीशुदा महिला के तौर पर किया, इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि अपने हिसाब से जिंदगी जीने का मौका नहीं मिला। शादी के एक साल के अंदर जब तलाक हुआ तो वसुंधरा राजे धौलपुर से ग्वालियर वापस माँ के पास आ गई। 11 सितंबर 1973 को जब दुष्यंत का जन्म हुआ तो वसुंधरा को जीने की वजह मिल गई। वहीं 1978 में दुष्यंत की नानी विजया राजे सिंधिया ने अपने नाती की ओर से धौलपुर के महाराजा हेमंत सिंह पर संपत्ति में हिस्सेदारी के लिए कोर्ट में मामला दर्ज करा दिया। कोर्ट में यह मामला 29 सालों तक चला। मई 2007 में हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच अदालत में समझौता हो गया। हेमंत सिंह के रिश्तेदार भरतपुर के महाराजा विश्वेंद्र सिंह ने पिता पुत्र के बीच समझौता कराया। इसके बाद सालों से अदालत में चल रहा मामला बंद हो गया।
बताया जाता है कि जिस दौरान कोर्ट में मामला चल रहा था उस दौरान भी वसुंधरा राजे धौलपुर महल में रहने जाती थी। इसके लिए बकायदा कोर्ट से आदेश लिए गए थे। जब वसुंधरा इस महल में रहने जाती थी तब हेमंत सिंह वहां से चले जाते थे। वसुंधरा कब यहां आ सकती हैं ये हेमंत तय करते थे। कोर्ट में समझौते के बाद धौलपुर महल का मालिकाना हक दुष्यंत सिंह के पास आ गया। इसके अलावा समझौते के तहत दुष्यंत सिंह को शिमला का घर, एक दर्जन विंटेज कारें और धौलपुर के खजाने के जवाहरात मिले, जबकि हेमंत सिंह को दिल्ली में पंचशील मार्ग स्थित घर और दूसरी संपत्ति मिली। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनने वाली वसुंधरा राजे महारानी के नाम से लोकप्रिय है। ग्वालियर के सिंधिया राजघराने से ताल्लुक रखने वाली वसुंधरा राजे एक वक्त अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में विदेश राज्य मंत्री थी, लेकिन वक्त का पहिया ऐसा पलटा कि वह सीधे राजस्थान की मुख्यमंत्री कुर्सी तक पहुंच गई। लेकिन उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी भी काफी रोचक है, क्योंकि पार्टी में जसवंत सिंह और भैरव सिंह शेखावत जैसे कद्दावर नेता थे। भैरव सिंह शेखावत 3 बार राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके थे, लेकिन भैरव सिंह के उपराष्ट्रपति बनने के बाद वसुंधरा राजे का कद राज्य में बढ़ता गया और देखते ही देखते वह राज्य की मुख्यमंत्री बन गई। 1999 में जब केंद्र में एनडीए की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री बने। उन दिनों वसुंधरा राजे राजस्थान में बीजेपी उपाध्यक्ष के तौर पर काम कर रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी दोनों राजे के काम और वफादारी से प्रभावित थे। यही वजह है कि उन्होंने वसुंधरा राजे को दिल्ली बुला लिया और अपनी कैबिनेट में विदेश राज्य मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी। यहीं से उनके करियर की एक नई शुरुआत हुई। केंद्र सरकार में मंत्री रहते हुए अपने शानदार व्यक्तित्व की वजह से पार्टी और सरकार में उनका कद बढ़ता चला गया। बीजेपी ने राजस्थान के दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत को उपराष्ट्रपति बनाया तो वसुंधरा राजे को राजस्थान बीजेपी की कमान सौंपी गई। हालांकि भैरव सिंह शेखावत लगातार वसुंधरा राजे का मार्गदर्शन करते रहे। बतौर प्रदेश अध्यक्ष वसुंधरा ने पूरे प्रदेश का दौरा किया और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। राजे की मेहनत का ही फल था कि बीजेपी ने इतिहास रचते हुए पहली बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। इसके पहले बीजेपी ने कभी राजस्थान में बहुमत का आंकड़ा नहीं छुआ था। 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में बीजेपी ने 120 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया। बीजेपी को बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री के चेहरे पर चर्चा हुई। पार्टी ने सीनियर नेता जसवंत सिंह को केंद्रीय मंत्री बना दिया तो अटल आडवाणी ने वसुंधरा राजे के नाम पर मुहर लगा दी। 9 दिसंबर 2003 को वसुंधरा राजे ने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। बतौर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी दमदार पहचान बनाई, संगठन में अपनी पकड़ मजबूत की तो कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हुई। हालांकि 2008 में वसुंधरा राजे की अगुवाई में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन वसुंधरा राजे लगातार कांग्रेस की गहलोत सरकार के खिलाफ आक्रामक रहीं। उन्होंने गहलोत सरकार को सत्ता से हटाने के लिए स्वराज संकल्प यात्रा निकाली, जिससे राज्य में भरपूर समर्थन मिला। वसुंधरा का कद पहले के मुकाबले बढ़ गया था तो दूसरी तरफ 2013 आते आते देश में मोदी लहर चल चुकी थी। मोदी लहर में बीजेपी ने 163 सीटों पर जीत हासिल की और वसुंधरा राजे ने दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। 2013 से लेकर 2018 तक वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रहीं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ बगावती स्वर उठने लगे। ये वो वक्त था जब पूरी बीजेपी मोदी के इर्द गिर्द घूम रही थी। 2018 के विधानसभा चुनाव में भी मोदी ने वसुंधरा राजे पर ही भरोसा जताया। इसकी बड़ी वजह मानी गई कि बतौर मुख्यमंत्री राजे ने जमीनी स्तर पर काम किया, लेकिन पार्टी के अंदर बगावती सुर ने सियासी फिजाओं को बदल दिया। 2018 चुनाव के वक्त राजस्थान में नारा गूंजने लगा कि मोदी तुमसे बैर नहीं, वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। इन नारों ने चुनावी हवा को बदल दिया। हालांकि पार्टी ने वसुंधरा राजे पर ही भरोसा जताया। चुनाव के वक्त अमित शाह ने राजसमंद जिले से वसुंधरा राजे के चुनावी रथ राजस्थान गौरव यात्रा को रवाना किया था, लेकिन ये रथ 2013 वाला कमाल नहीं दिखा पाया और अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस ने वसुंधरा राजे के रथ को रोक दिया और बीजेपी से सत्ता छीन ली। चुनाव हारने का ठीकरा वसुंधरा राजे पर फूटा और देखते ही देखते पहले के मुकाबले पार्टी में उनकी ताकत कम होने लगी। राजस्थान की सियासत में वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत की दुश्मनी के तो खूब चर्चे हुए। अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री रहते हुए वसुंधरा राजे के खिलाफ भ्रष्टाचार का जांच भी करवाया था, लेकिन जब सचिन पायलट ने अशोक गहलोत से बगावत कर दी तो वसुंधरा राजे ने गहलोत सरकार को गिरने से बचाया था। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि खुद अशोक गहलोत ने ऐसा दावा किया था। हालांकि वसुंधरा राजे ने अशोक गहलोत के बयान को झूठा और अपने खिलाफ साजिश बताया था। 2018 में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने तो सचिन पायलट डिप्टी सीएम बने, लेकिन एक साल के अंदर ही सरकार में खटपट शुरू हो गई। 2020 में सचिन पायलट ने गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और कई विधायकों को लेकर रिजॉर्ट पहुंच गए।
हालांकि तमाम उठापटक के बीच सरकार गिरने से बच गई और सचिन पायलट को डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि इस घटना के कुछ सालों बाद अशोक गहलोत ने यह कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया था कि उनकी सरकार को वसुंधरा राजे ने गिरने से बचाया है। दरअसल बीजेपी विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने बीजेपी से नाता तोड़कर कांग्रेस का समर्थन कर दिया था। इसके बाद गहलोत ने धौलपुर के राजाखेड़ा में कहा था, जब शोभा रानी जी ने हमारा निर्भीकता से समर्थन किया तो बीजेपी अवाक रह गई, दूसरी वसुंधरा जी और तीसरे कैलाश मेघवाल। यही तो कैलाश मेघवाल और वसुंधरा जी ने कहा कि हमारे देश में धनबल से चुनी हुई सरकारों को गिराने की ऐसी परंपरा नहीं रही है। उन्होंने क्या गलत कहा? शोभा रानी ने उनकी बात सुनी वसुंधरा जी और कैलाश मेघवाल की और उनकी अंतरात्मा ने कहा कि मैं ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करना चाहती, इसीलिए हमारी सरकार बची है। वसुंधरा राजे राजघराने के राजसी ठाट बाट में भले ही पली बड़ी, लेकिन सियासत में उन्होंने चप्पल घिसकर अपनी पहचान बनाई। पार्टी के अंदर उनके तमाम आलोचक हैं, तो विरोधी खेमे में उनके प्रशंसक भी हैं। कोई उनका विरोध कर सकता है, कोई सपोर्ट कर सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि वसुंधरा राजे को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। वसुंधरा राजे जाति धर्म की राजनीति की जगह विकास की राजनीति में यकीन रखती है। इसकी बड़ी वजह उन्हें माँ द्वारा दी गई शिक्षा थी। एक इंटरव्यू में खुद राजे ने बताया था कि माँ ने एक मंत्र दिया था कि अगर मैं राजनीति में गई तो एक बात का जरूर ध्यान रखना, लोगों को प्यार से जोड़ना, कभी जाति धर्म और वोट के लिए लोगों को मत तोड़ना, नहीं तो आगे चलकर तुमको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आज अनसुनी कहानियां में सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और चर्चित शख्सियत की अनसुनी कहानियां के साथ। तब तक आप देखते रहिए News 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।